हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अजीत टकरिया है और जैसा कि मैंने जो है आपको बताया था कि मोहरा ट्रेडिंग जब दीपावली के दिन जो है जब चालू होगा तो मैं जो है HDFC में बाय करूंगा। तो आज आज 13 तारीख है, कल जो है दीपावली खत्म हो गया। आई होप कि जो है आप सभी का जो है दीपावली बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा जो है बीता होगा। आई होप, मैं होप करता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया है, करीब करीब 1500 रुपये में जो है मैंने शेयर खरीदा और मार्केट जो है आज गिर गया। करीब करीब जो है 0.42% जो है आज निफ्टी जो है नीचे चला गया है और मैंने जो है स्टॉक जो है बाय कर लिया है। ठीक है, ये जो है ऐसा नहीं कि मैं जो है स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ या 2-3 महीने के लिए जो है मैंने इसे बाय किया है। मैं इसे जो है लॉन्ग टर्म्स के लिए रखना चाहता हूँ, लगभग लगभग नहीं भी तो करीब अगले साल तक जो है मैं इसे रखना चाहता हूँ। ठीक है, और दो स्टॉक में जो है और मैंने बाय किया है इसमें, एक तो बैंक ऑफ इंडिया में, ये जो है इसको जो है मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ही जो है बाय कर रहा हूँ। एक टारगेट लेवल तक जो है इसे मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। और सेकेंड जो है मैं IRFC में जो है यहाँ पे बाय किया हूँ, वो भी जो है करीब करीब जो है 73.65 रुपये में जो है मैंने बाय किया है और मार्केट आज गिरा है काफी। तो 73.65 रुपये पे जो है मैंने इसे बाय किया है। ठीक है, तो बस अभी जो है मार्केट डाउन है तो मुझे जो है अभी लॉस हो रहा है, लेकिन ये जो है लॉन्ग टर्म्स के लिए तो है। आई होप कि ये जो है मार्केट ग्रो करने वाला है। और अगर मैं इसका एक फोरकास्ट बताऊं तो आने वाले 2025 से 30 तक लगता है कि जो HDFC का जो जो क्या बोलते हैं जो टारगेट है वो जो है करीब करीब 2000 से 2500 के आसपास जो है मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, ये जो है मेरा आने वाला टाइम का जो है टारगेट है। और मैं यहाँ पे सबको बता दूं कि ये जो है कोई भी टिप्स वगैरह वगैरह मैं जो है यहाँ पे किसी किसी को भी जो है नहीं दे रहा हूँ। तो मैं जो है जो मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, मैं अपना जो मैं एक्सपीरियंस वगैरह है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो बाय किया है वो आप बाय कीजिए, मैंने जो सेल किया है उसे आप सेल कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो है लॉन्ग टर्म्स के लिए रखा है तो मैं यहाँ पे कोई भी गाइडलाइन को जो है यहाँ पे उल्लंघन नहीं करना चाहता। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हम बाद में कमेंट करने लगते हैं कि हम भी जो है आपके हिसाब से ही चलेंगे, हम भी जो है बाय करेंगे। तो अब देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर या बहुत बड़ा सेलर तो हूं नहीं कि मैं मार्केट को जो है क्रैश करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो अपना जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो अब जो है मैं इसे अगले साल तक रखूंगा और मैं वीडियो बनाता रहूंगा, तो इस डेट को आप याद रखना, 2023 नवंबर 12 को जो है दीपावली था। ठीक है, और मैं जो है ये वीडियो जो है 13 को बना रहा हूँ, तो अब अगले साल जब भी जो है 2024 को जब अगले साल जब दीपावली होगा तभी भी जो है मैं आपको अपना पोर्टफोलियो वगैरह जो है दिखाऊंगा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा जो है मैंने कितना क्वांटिटी बाय किया है, कितना कितने रुपए का जो है परचेस वगैरह किया है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो भी मैंने बाय किया, भले ही एक बाय किया हो या दो बाय किया हो, तो वो जो है मैं अपने तक ही रखना चाहता हूँ। मैं जो इसे जो है डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है, तो बस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आगे आने वाले टाइम में जो है अपना जो है और भी एक्सपीरियंस वगैरह जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो है किसी के सामने जो है एक्सप्रेस कर पाता हूँ। ठीक है, तो बस यहीं पे खत्म करते हैं। और कल आज 13 तारीख है, कल जो है काली पूजा है, तो सब कोई जो है अपने परिवारों के साथ जो है काली पूजा मनाना। और कल नया साल, कल या परसों जो है नया साल भी है, तो आप सबको जो हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, और न्यू ईयर ऐसा नहीं कि 2023 का जो है क्लोज हो रहा है, मतलब कि खत्म हो रहा है, तो उसके लिए जो है न्यू ईयर नहीं है, ये हमारे हिंदू त्यौहार का जो है न्यू ईयर है। तो आप सभी को जो है हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। गुड लक एंड बाय बाय, और सब जो है एकदम मजे में रहो, खुश रहो।